This is an ABP Life podcast. Hi guys, you're listening to Bollywood Binge and Beyond with me, Niharika Nanda. And आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनकी रील्स आपने बिंज वॉच करी ही होंगी इंस्टाग्राम पे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करी हो. जागृति पावा. हाय जागृति, हाउ आर यू? ग्रेट एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट. एंड पहले तो ये बताओ कि क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्स अप? काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है. स्पोकन लाइक अ ट्रू क्रिएटर. काफी काम चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक काम चल रहा है. अभी भी व्हेन शी केम हियर, उससे पहले भी शी वाज सिटिंग एंड वर्किंग एंड देन उसके बाद हमने ये गप्पे मारनी शुरू करी है. तो कहीं चले जाओ किसी वेकेशन पे या कुछ, क्रिएटर की लाइफ भी ऐसी होती है कि काम रुकता ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड ये भी नहीं कि मतलब ऐसा हो कि मुझे काम करना पड़ रहा है, वो इनेट एक ना वो आ जाती है कि यार बना लेती हूँ कंटेंट. मैं बता रही थी ना अभी कि जैसे माइक मेरे साथ हमेशा रहता है. इवन मैं अपने कजन्स के यहाँ पे भी जाती हूँ तो माइक साथ लेके जाती हूँ. क्या पता कब कोई आइडिया आ जाए उनकी बात. एग्जैक्टली. और वहीं पे मैं तो खुद आई tried to launch my career as a food creator 3 years back. हुआ नहीं. 7,000 followers पे आकर टक गई. But ठीक है, तो इसलिए I know that feeling कि मतलब कहीं भी जाती थी, family के साथ घूमने जा रही हूँ, friends के साथ जा रही हूँ, वो बेचारे पक जाते थे जब तक खाना ठंडा नहीं हो जाता था, वरना सारे video बना नहीं लेती थी. 7,000 is good number. It is, but then उसके बाद वो मतलब मेरे अंदर तो वो motivation नहीं रही कि मैं regularly continue करूँ. अभी भी I keep on posting थोड़ा थोड़ा time बाद, but वो डेडिकेशन मोटिवेशन का ना एक फंडा होता है जो मुझे समझ आया. मोटिवेटेड हम तब रहते हैं जब हमें कंसिस्टेंटली ना रिजल्ट मिलते रहे. हाँ, और मोस्टली क्रिएटर्स, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं, वो गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता. एग्जैक्टली. तो मेरे साथ भी ऐसा रहा है जो कि मैं बताऊंगी. कोई नहीं, पूरी बातें करेंगे. तो क्योंकि आपने कहा कि आपको ये एक्सपीरियंस रहा है, तो वहीं से शुरू करते हैं. ये पूरा आइडिया आया कैसे कंटेंट क्रिएशन का? मेरे को लगता है कि मेरे अंदर ना बचपन से क्रिएटर था एक, जो कि मैं पहचान नहीं पाई. स्कूल टाइम में मैं इतनी मोनो एक्टिंग करती थी, अलग अलग वो करना, स्टेज होस्टिंग और ये सब करना, तो तब से था. बट तब इतना क्लियर नहीं था क्योंकि मैं म्यूजिक में ज्यादा थी, यूथ फेस्टिवल और ये सब. उसके बाद कॉलेज में भी मुझे याद है मैं लैब के अंदर बैठ के सोच रही होती थी कि मैं क्या बनाऊं. ऐसा जो फूड ब्लॉगर की बात कर रही हूँ ना, ऐसा आई वाज नॉट अ फूड ब्लॉगर, बट 2015-16 की बात है. तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया चंडीगढ़ अपने कॉलेज. अच्छा, ओके. अब क्लास में बैठ के बस यही सोचती थी. तो मैंने ट्राई सिटी एक्सप्लोरर करके एक चैनल स्टार्ट किया. ओके. जिसमें मैं अपने कॉलेज के पास वाली फेमस पेस्ट्री पार्लर उधर जाती थी और शुरू हो गया कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, आपने बताना आपके पास बेस्ट चीजें क्या है. ठीक है, कोई भी नहीं होता था, कोई भी फ्रेंड होता था, कैमरा पकड़ लेती थी, कुछ भी नहीं था. विद टाइम फिर ग्रेजुएशन हो गई. मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट थी. ठीक है, तो मास्टर्स का स्ट्रेस था, एडमिशन मिला नहीं, बट लकीली अच्छा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्लियर किया. बट उस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील होता रहता था कि यार मैं कर तो रही हूँ, बट तब भी मैंने छोड़ दिया था मास्टर्स की. अच्छा. मैंने छोड़ दिया था कि प्रिपेयर करना है और उस टाइम पे फुल स्टॉप लगाया था. बट एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं यार अब कंटिन्यू करना है. एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया. मेरा चैनल जो मैं अपने लिए कंटेंट बना रही थी, वो किसी और के लिए बनाने लगी और मैंने उनको ग्रो कराया. ओके, अच्छा. फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई तो पढ़ाई के बाद घर पे बैठ के फिर होता था कुछ बनाने. वो हमेशा से चलता रहा, वो बचपन से लेकर स्कूल टाइम से लेकर चलता रहा. और मुझे जब प्रॉपर टाइम मिला और मैंने इस पे काम किया, तब मुझे समझ आ गया कि मेरे को यही करना है, किया जा सकता है काम आगे का भी अच्छे से. बिकॉज़ खुशी जो होती है ना, आप जो पसंद करते हो आप वो कर रहे हो. राइट. आई वाज इनटू मतलब टीचिंग का प्लान था मेरा. ओके. कि मेरे को एग्जाम्स, बहुत एग्जाम्स क्लियर किए मैंने, मतलब गेट, जो आईआईटी का एंट्रेंस होता है पीएचडी के लिए, एवरीथिंग. मतलब पढ़ाई में भी मैं एक टाइम तक एवरेज थी, बट एक टाइम तक बहुत ये मेरे एवरेज रहते रहते ना, मुझे हमेशा ऐसे था कि कितना एवरेज रह गया. मेरी मम्मी टॉपर थी, ठीक है, तो मुझे ना उनका कोई भी, उनको देख के लगता था कि मुझे भी. हाँ, उनका कोई टीचर मिलता था ना तो बोलते थे कि आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में. तो ना मास्टर्स ग्रेजुएशन तक मैं एवरेज थी और कंटेंट क्रिएट कर रही थी. मास्टर्स में आके ना मुझे ना रेगुलरली पढ़ के देखते हैं कि क्या मिलता है उससे. तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, 3 घंटे वहां पे बैठी रही. ठीक है, बैठ के 3 में से 1.5 घंटे में देखती थी कि लोग कर क्या रहे हैं. ठीक है, मुझे सब पता होता था कि
इसका इसके साथ सीन है ये इनके मतलब इनकी अभी डेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ये सब कुछ देखना, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बच्चे को एक डेढ़ घंटा में पढ़ लेती थी उस टाइम पे मुझे आया कंसिस्टेंसी का रूल समझ, बिकॉज मैंने कंसिस्टेंटली 2 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी गई बिना किसी ब्रेक के और फिर मतलब मैंने वो टॉपर वाला फेस भी देख लिया कि कॉलेज टॉप किया यूनिवर्सिटी टॉपर्स की लिस्ट में, तो मुझे उस टाइम पे कंसिस्टेंसी वाला फंडा समझ आ गया था कि कुछ भी जो भी करो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए डेफिनेटली, और इसको मैंने अप्लाई किया अपनी कंटेंट क्रिएशन राइट और सो शुरू शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आई होगी, मतलब जैसे मेरे साथ भी होता था कि शुरू शुरू में कंटेंट बनाया लाइक्स नहीं आते व्यूज नहीं आ रहे, तो लगता है मैं क्या कर रही हूँ यार इतनी मेहनत भी डाल रही हूँ एंड रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस टाइम डीमोटिवेशन फील नहीं हुई? मैंने स्टार्ट किया था फन के लिए, फन मतलब जो बताया अंदर किया था कि करना ही है कुछ, और मैं ना हमेशा से जुगाड़ रही हूँ, मुझे चीजें पता है कि अपना काम कैसे आगे आगे बढ़ाते जाना है बस ठीक है। स्टार्टिंग में होता था कि तो मैंने कैसे स्टार्ट किया कि मैंने कोई वीडियो बनाई तो मैं लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर्स को भी, जिन भी क्रिएटर की कुछ अच्छी बात लगती है ना मुझे मैं वो लिख लेती हूँ ठीक है, अच्छा इसकी अच्छी चीज है और मुझे अपने कंटेंट में ऐसा ये चीज लेके आनी है, जैसे कि कोई क्रिएटर बहुत कंसिस्टेंट है पैशनेट है तो सब चीजें, तो इस चीज को मैंने किस तरीके से क्या किया कि जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ लिया था सब कुछ मैंने अपना एक रिसर्च पूरी थी रिसर्च किया, तो मुझे पता था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगी, तो आई न्यू कि लीना मोशन ठीक है वो रीशेयर करती है, तो मैं इंटेंशनली उनकी जैसा नहीं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर उनका एक नाम डाल के पार्ट इंटीग्रेट कर देना राइट ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मेरी पूरी एक मतलब मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है उसमें से इतना पार्ट और वो चीज वर्क की लीना मोशन तक पहुंची, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे इसका ये पार्ट भेजो मुझे अपनी स्टोरी पे रीशेयर करना है, तो मुझे समझ आया ओके ऐसे बूस्ट मिलता है, तब मुझे एक कोई थॉट आता था कि बीपरा कितने अच्छे सिंगर है ना ठीक है, और ये पहली बात थी हमारे स्कूल लाइफ में तो थे नहीं, स्कूल लाइफ में तो हम ओ हुजूर ये सब सुनते थे राइट राइट, तो तब मैंने क्या किया कि बीप्राक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जो मुझे थॉट चल रहा था और मुझे अब ये था कि बीप्राक तक तो पहुंचेगी नहीं, बट मैं ये जरूर जानती थी कि बीप्राक के आसपास ना ये लोग रहते हैं, तो मैंने उनमें से एक दो को डीएम किया अच्छा टैग वगैरह ये उनको पहुंचा दो प्लीज कैसे भी करके, एंड मेरे को अच्छे लोग मिले इस जर्नी में उन्होंने पहुंचा दिया, तो बीप्राक सर का मैसेज आया मेरे पास क्या बात है वाओ, तो ये चीज हालांकि ये नहीं बोलूंगी कि इंस्टेंटली बट मैंने विद टाइम सीखी किस तरीके से अपनी जगह बनानी है तो ये बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम अंधाधुंध कंटेंट बनाते जाओ तो उसका अल्टीमेटली वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अगर तुम स्ट्रैटेजिकली करके करोगे तो, और ये चीज मुझे शायद वो पिछला एक्सपीरियंस था जो सब करके वहां से सब समझ आने लगा था कि ध्यान से देखेंगे अगर दिमाग लगा के कंटेंट बना के उसको, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं उसको मार्केट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वो आपने एकदम मास्टर कर लिया। सो टेल मी दिस, आपका जो कंटेंट है जो मतलब मैंने भी देखा है हॉस्टल लाइफ एंड शादी डेटिंग इन सब चीजों से काफी ज्यादा रिलेटेड है, सो काम की बात पे आते हैं, डेटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, वैसे जो आप वीडियोस बनाते हो वैसा ही रहा है थोड़ा अलग रहा है? मैं जो डेटिंग का एक्सपीरियंस है मोस्टली हाँ कुछ मेरी लाइफ से भी इंस्पायर्ड होता है, और ऑब्वियसली हर क्रिएटर जो कि आपको बोलता भी होगा कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, तो मुझे कहीं से भी बात कुछ पता लगती है तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से उसे ये नहीं पता लगने दूंगी सामने वाले इंसान को कि मैं तेरे से कंटेंट निकालने वाली हूँ, मैं सोचती हूँ अच्छा फिर क्या हुआ, इवन जैसे शादी से रिलेटेड है सास बहू और ये सब मैंने तो एक्सपीरियंस का नहीं रखा तो मुझे कैसे पता होगा, तो मे बी मेरी मम्मी जब बता देती है कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था ऐसा होता था ऐसा, ये सब डिस्कशन और अपनी फ्रेंड्स जो कि अब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब शादी करते जा रहे हैं, तो वहाँ और नया इंटरेस्टिंग कंटेंट ही दे रहे हैं मुझे बस, फ्रेंड दूर तो हो गए पर कंटेंट देते रहते, तो वहीं से निकलता है। और हाँ मैंने भी डेट किया है, एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं कि नहीं अच्छे रहे? देखो बुरे एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं, तब आपको शायद समझ आता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना राइट, और ताकि जब आपको क्या चाहिए वो मिल जाए तो आपको उसकी वैल्यू हो, एंड
पहली बार में जैकपॉट लग गया ना, पहली बार में वो चीज मिल गई आपको, ठीक है, तो आपको शायद उसकी कदर ही नहीं होती है, क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है। अगर मुझे मिली हर किसी को मिल जाता है तो लोग इतना क्यों रोते हैं। राइट, और प्लस रेड फ्लैग्स जो आजकल इतना चल रहा है, टॉक्सिसिटी जो चल रही है, वो चीज समझ कैसे आएगी अगर ट्राई नहीं करोगे। बिल्कुल, अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमें एक शॉट में अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, आई डोंट थिंक कि वो सही भी है, एंड आई डोंट थिंक वो होता भी है बहुतों के साथ। मोस्टली नहीं नहीं होता है, बोलते हैं ना कि बहुत रेयर। मम्मी हमारी वार्डन बोलती थी कि तुम में से जितनी यहाँ पर 600 लड़कियां खड़ी हो ना, लिख के ले लो, तुम में से 5% का भी अगर शादी हो जाएगा, तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मेरा नाम बता देना। तब मेरी फ्रेंड बोलती थी, मैं उनमें से एक हूँ, बट उसका भी हो गया, ठीक है। बट हॉस्टल लाइफ से ही सच में 5% रूल सच था, आज काफी सारा कॉन्टेंट भी उससे इंस्पायर्ड होता है। तो कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अपनी हॉस्टल लाइफ से याद हो, जो मतलब बहुत ही बढ़िया था या बहुत ही एम्बैरेसिंग था, कुछ भी ऐसा। बहुत है, मतलब हॉस्टल लाइफ तो 5 साल हॉस्टल में रही हूँ, तभी वहीं से आते हैं, और ये चीज भी समझ आ गई थी कि हॉस्टल कंटेंट कोई नहीं बना रहा, बना रहे हैं। That is true. ठीक है, मैंने हार्डली किसी को हॉस्टल कंटेंट बनाते हुए देखा है। अभी भी मैं जब दिल्ली आती हूँ तो फ्रेंड के यहाँ हॉस्टल में रुकती हूँ ताकि हॉस्टल का कंटेंट बना सकूँ, और वो हॉस्टल वाले कॉरिडोर और सब कुछ, ठीक है। और हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड मुझे ना मोस्टली हमारे इंडियन कॉलेजेस में ही होता है कि वार्डन्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं सबके साथ, गर्ल्स कॉलेज तो स्पेशली, और वो सबसे गलत चीज लगती है मुझे, बिकॉज आप अगर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो एडल्ट्स हैं, शायद वो अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमारे वार्डन, हमारे हॉस्टल में रूल था कि आप नी लेंथ से ऊपर कुछ भी पहन के बाहर नहीं जा सकते हो। अच्छा, दैट वाज अ वेरी लाइक पैथेटिक, राइट, ठीक है। तो हमने अभी बच्चे तो है छोटे, बिल्कुल नहीं है, हमने अभी फ्रेशर्स पार्टी में जाना था, गार्ड ने रोक लिया भाई कि अगर यहाँ से जाना है तो मेरी लास्ट लोग जाना पड़ेगा। वार्डन को बुला लिया, अब वार्डन ने चीफ वार्डन भी बैठी थी वहां, तो बोलती कि ये क्या है, चेंज करो इसको। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि आप जिंदगी में अगर किसी एडल्ट को कुछ करने से रोकोगे ना, तो वो जो भी करेगा। आप हॉस्टल में खाना फ्रंट गेट से आना रोकोगे कि नहीं करना, तो खिड़की से आ जाएगा, वाटलेट्स देके जाएंगे, इसे तो आएगा, इसे वो आएगा, वो सही बात है। तो नॉर्मली गर्ल्स क्या करती थी, लेगिंग्स पहनी और बाहर जाके जाती। अब बताओ, अच्छा इंप्रेशन इस चीज में है कि आपके हॉस्टल के बच्चे बाहर जाके अपने कपड़े उतार रहे हैं और वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, या फिर आप मेरा ऊपर जाने दो शांति से। तो बोलती है वो कि आप एप्लीकेशन लिखो अपोलॉजी की, ठीक है, तो कि अब मैंने ऐसा किया है और मैं पार्टी पर नहीं जाऊंगी। मैंने उसमें क्या एप्लीकेशन लिखी, मैंने तो राइट टू फ्रीडम एक्सप्लेन कर दिया सारा, कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर डूइंग इट, बिकॉज इसमें कोई वो नहीं है, मेरी फैमिली को जब कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है। और इसमें तो मतलब मुझे लगता है फैमिली भी एक लेवल पे आके जब उनको पता आपका बच्चा समझदार है तो उनको भी वो नहीं होता कि आपको वो करना नहीं करते, राइट, बिल्कुल। तो ये मैंने लिखा एंड वो बहुत अनॉय हो गई और मैं अपने साथ पूरी गैंग को लेके वहां से बाहर निकली। दैट वाज अ विक्ट्री मोमेंट, इट इज डेफिनेटली। बट हमारे हॉस्टल, मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, वहां पे आई एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स की फेवर लेते थे, लाइक हमारे यहाँ पे वैलेंटाइन डे पे बाहर जाना अलाउड नहीं होता था। अच्छा, अब बताओ वैलेंटाइन डे पे कोई इंसान क्या ऐसा स्पेशल करेगा जो बाकी दिनों में नहीं कर सकता, वही तो जो 14 को नहीं है 15 को फिल्म क्या करना है, तो क्या हो गया, नहीं जाना है। तो ही वाज सो चिल, ही सोशल, डॉक्टर पवन शर्मा, उनको तो मतलब सर आप ग्रेट हो सीरियसली, ठीक है। तो उनका क्या था कि वो बोलते थे कि बेटा देखो शाम को तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे पता है आप सबके जोड़े बैठे होते हैं, मुझे देख के चुप मत जाया करो, तुम आराम से बैठो, ठीक है, हाथ वगैरह पकड़ रखा होता तो थोड़ा हटा लो, कोई बात नहीं, मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं हो, बट आराम है, चाहता हूँ मेरे कॉलेज के अंदर एक अच्छा और चिल माहौल हो। वो प्रिंसिपल आए, उन्होंने हमारे कॉलेज का सब वो चेंज कर दिया, बेटा जो पहनना है पहन निकलो, बट उसके साथ निकलो कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। आई डोंट नो, मैं हॉस्टल में मेस का कुछ इंचार्ज थी तो मैं उनको प्रॉब्लम्स बताती थी जब, तो वो सुनते थे, वो लॉजिक समझते थे उस चीज का, जो मुझे लगता है हर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। कंटेंट के थ्रू भी मैं डिलीवर करना चाहती हूँ बातें,
बट इतना ना बांध के रखना बहुत गलत है, बहुत गलत है. इनफैक्ट मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो मुझे इसी बात से आ रहा है कि व्हेन आई विल बी अ मॉम, व्हाट काइंड ऑफ अ मॉम आई वुड लाइक टू बी. बिल्कुल, वो वीडियो देख के मुझे इतना वो फील हुआ था ना कि यार मेरी मम्मी ऐसे क्यों नहीं है. राइट, ये तो है, हम तो बहुत कूल पेरेंट्स बनने में. हम समझते हैं वो प्रॉब्लम, बिकॉज वही है ना यार, जनरेशन का गैप आ जाता है. उन्होंने वो चीज देखी नहीं तो उनके पेरेंट्स भी वैसी थी. हमने वो फ्रीडम देखी है और चाहिए है तो हम भी वैसी पेरेंट्स बनेंगे, हम अपने बच्चों को फ्रीडम दे होपफुली. तो मतलब मैं जो दिखाती हूँ शायद मेरी मम्मी भी वैसी है. बट लोगों की नहीं है तो मुझे समझ आता है कि लोग किस किस चीजों में झूठ बोल के ट्रिप्स पे जा रहे हैं सब. तो मुझे लगता है कि शायद आपको इन्फॉर्म करके जाएंगे तो शायद आपको पता होगा बच्चा क्या कर रहा है और सेफ्टी सब आपको मालूम है. टॉप टू बॉटम अगर मुझे पता है, लाइक मेरे घर में तो ऐसा है, थोड़ा बहुत परमिशन का आगे पीछे होता है, बट जहां मैं बोल दूं कि मुझे जाना है तो देर लाइक ओके जाओ, कोई ऐसी टेंशन नहीं. तो मेरे को भी तो ना कि मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता के जा रही हूँ, मुझे उनको पता है मैं कहाँ हूँ, किस टाइम हूँ, कब हूँ. अब जब आप बताए, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में डाल दोगे अपने बच्चे को कि वो आपको बता ही नहीं पा रहा है तो फिर वो नहीं बताएगा, फिर आपको कुछ आपको पता है वो एक्स वाई जेड जगह पे जबकि वो कहीं और ही घूम रहा हो. राइट, इंडियन पेरेंट्स को सच में एक मैसेज, आपका बच्चा आपके रिस्ट्रिक्शन लगाने पे PhD कर लेता है, वो भी झूठ बोलने में. सही बात, राइट. तो मत लगाओ, वो 20-22 साल तक देख चुका है कि आपको किस किस चीज से प्रॉब्लम है और आपको कैसे फसाया जा सकता है आगे. क्यों PhD करा रही है, कोई स्कोप ही नहीं है. ये बात बिल्कुल सही बोली है, इससे अच्छा यार परमिशन दे ही दो. राइट, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, बट इतने भी मत करो कि वो अल्टीमेटली आपको झूठ बोल के निकले, क्योंकि वो करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे. तो माइट एज वेल दे दो परमिशन, क्या जा रहा है. अच्छा, तो अब आप हो कंटेंट क्रिएटर, अब उससे रिलेटेड तो कुछ चीजें पूछनी पड़ेगी. सो वी हैव अ रैपिड फायर, ठीक है, जिसमें आपको फटाफट आंसर करने हैं अबाउट योर फेवरेट ट्रेंड्स, योर फेवरेट रील्स वगैरह सब कुछ, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट रील ट्रेंड. यार रैपिड फायर है, ओके. रील ट्रेंड कोई रीसेंट पुराना कोई भी हो सकता है. वो एक चला था जिसके अंदर वो मैगी में सॉस डाल के खाने वाला कि माय चाइल्ड इज नॉर्मल, और मैगी में सॉस कि माय चाइल्ड इज नॉर्मल, और फिर कुछ ऐसी स्टार्टपटी लगा कुछ खाते थे. एग्जैक्टली, ओके, राइट. कोई वायरल सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो. वायरल सॉन्ग अभी तो वो चल रहा है, कहानी सुनो अभी चल रहा है. राइट, ओके. कोई फेवरेट क्रिएटर या क्रिएटर्स. क्रिएटर देखो बहुत सारे इंस्पायरिंग क्रिएटर हैं, बट मैं जिनसे पर्सनली टच में हूँ, जय अरोड़ा, टेकीला, मतलब अमेजिंग गाय, रियल लाइफ में इंस्पायर करता है मुझे तो. ओके, कोई ऐसा क्रिएटर जिसके साथ डेट पे जाने का मन है. ऐसा कोई जिस पे क्रश हो या तो. मैं उस स्टेज से बहुत ऊपर आ चुकी हूं, वो मैं छोड़ चुकी है. राइट, ओके. तो डिस्क्राइब योर क्रिएटर जर्नी इन वन वर्ड. I have challenged the society, even the people around me, but I'm sub competent with them. That is nice. Content बनाओ, अच्छी बात है, but एक अगर उससे कुछ थोड़ा बहुत भी change हो जाए तो why not? It is much better that way. A moment in your creative journey that is very memorable. 1 million hit किया था जब YouTube पे. काफी सारे हैं, like छोटी छोटी खुशियां देखी जाए तो बी प्राक ने जब मेरे को share किया था या ये सब चीजें. और उसके बाद बहुत अप्स डाउन्स रहे हैं. मतलब मैं कहती हूँ हर थोड़े टाइम के अंदर एक मोमेंट होता है जो हम अच्छी कैटेगरी में बोल सकते हैं. क्या ये तो है. कोई बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर क्रिएटर जर्नी. मतलब क्रिएटर जर्नी नहीं, जनरल मेटा का क्रिएटर्स डे इवेंट था. तो मेरा सिंपल फंडा है कि मुझे किसी का भी कंटेंट पसंद आता है तो मैं फॉलो कर लेती हूँ. बहुत क्रिएटर को फॉलो बैक वाली चीज मुझे नहीं चाहिए. तो एक क्रिएटर था जो कि अभी इसमें स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, और मैं इसको देख रही हूँ और मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कौन है, ठीक है. और नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि एकदम नया क्रिएटर है बहुत ज्यादा. तो मैंने, मेरे को किसी ने बताया, अपनी ना फॉलोइंग लिस्ट के अंदर देखो कि क्या वो है. राइट, शक्ल देख के समझ आ जाएगा न्यूएस्ट में उसका नाम आ गया सामने. तो फिर क्या हुआ, मैं इससे मिली जाके, हाय लो कि मुझे तुम्हारा कंटेंट बहुत पसंद है. वो मुझे तब तक शायद फॉलो नहीं करता था, जानता नहीं था. तो इसे इनकी फोटो लेते हैं, उसके लिए मैंने अपना फोन खोला तो उसकी प्रोफाइल वहां पे सामने, और फिर साथ के लोग भी ऐसे देख रहे कि स्टॉप करके आई है.
अरे बाप रे, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग रहा होगा भाई। मेरे साथ के फ्रेंड्स भी ये करा लिया वो पटना। अब मैं कैसे बता दी कि मेरे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ये भी गलती से बोल दो तो वो भी एम्बैरेसिंग हो रहा है। ठीक है, स्टॉक करना ही ठीक है। ऐसी थी कि इतने क्रिएटर्स ऐसे होते थे कि मेले में आ गए, सब क्रिएटर के माथे पे क्यूआर कोड लगाना चाहिए था, स्कैन करो और नाम और देख लो। ये चीज ना होती है बहुत बारी, जब हम ऐसे रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो किसी कोई कंटेंट अच्छा लगा तो उनका पेज पर उन्होंने फॉलो कर लिया। बहुत बार मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं नाम भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद ये फॉलो तो किया था, बड़ी है कौन, ये है कौन। आई कैन टोटली रिलेट। मैं स्टूडियो में बैठी थी तो एचआर टीम से कोई आया, तो भी थे कि बहुत सारा कंटेंट दिख रहे हैं पर नाम नहीं याद है, इनको रुको मैं बता देती हूँ। तो ये चीज तो आई थिंक काफी रिलेटेबल है। आई कैन एग्री। योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? कोई भी नहीं एक्चुअली, मेरी लाइफ में फेवरेट्स है ही नहीं। अगर आपसे पूछोगे कि तेरा फेवरेट मूवी कौन सी है या सॉन्ग, तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है मेरी लाइफ में ना, बहुत एक ही उस पे चलने वाली इंसान हूँ जो ठीक है, बढ़िया जो ट्रेंड में आ रहे देखो उसका भी सुनो, बिकॉज़ आप इवॉल्व करते हो मुझे लगता है, ठीक है, विद टाइम। शायद जो 5 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, आज कोई और फ्रेंड है, तो वो टाइम के साथ आप इवॉल्व करते चेंज करते रहते हो। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इवन आई डिडंट हैव एनी फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, इट वाज ओनली व्हेन बहुत लेटर जाके आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड ही जस्ट गॉट मैरिड, सो छोड़ो बात नहीं करते उस बारे में। बट चलो, यू आर प्रिटी गुड एट योर रैपिड फायर, सो मतलब हम कह सकते हैं गुड क्रिएटर दैट वे। सो एक बात बताओ जागृति, सोशल मीडिया एक बहुत ही वास्ट जगह है एंड इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू शोकेस देयर टैलेंट, बट ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। सो कोई एक ऐसी चीज जो आपको सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छी लगती है और कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है? सबसे अच्छी चीज तो ऑब्वियसली ये एक अनकन्वेंशनल अभी तक जो है ये करियर है, और इसमें ना ये रहता है कि सब कुछ देखो रिप्लेसिबल है, सबसे वो चीज है, ठीक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और इस चीज को ना बहुत सारे मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, आई एम वेरी लाइक ओपन टू दिस थिंग कि मुझे पता है आज मैंने शायद किसी को रिप्लेस किया है एक नंबर्स में, कल को कोई मुझे करेगा, और हम हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते एक्सेप्ट कि हम वो लेजेंड वाली कैटेगरी में नहीं आ गए हैं, तो आपको लोग नहीं भूलेंगे बट लोग आपको भूलेंगे, एंड आपको सिर्फ पीस बना के रखनी है। और बहुत सारे क्रिएटर्स ना इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और फिर उनको वो मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं कि पहले तो मेरा इतना अच्छा कंटेंट चलता था, मे भी शायद वो कंटेंट और उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस के साथ से इवॉल्व नहीं कर पाए। तो मैंने क्रिएटर लाइफ की सबसे बुरी चीज जो देखी है वो है मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन जो उनको आते हैं, और बहुत ज्यादा मैं खुद उनमें से हूँ, जब स्ट्रेस वाली चीज होती है, सब्सक्राइबर माइनस में गए, ये सब चीजें। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इतने लोग आपको जानते हैं और आके कि आप वही हो ना हॉस्टल वाली लड़की, नाइस। अब वही है ना कि उनको कंटेंट से आप याद करते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बात नहीं, अगर नाम मैंने भी याद है तो उनको आपका काम याद रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जागृति, व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हु आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? हर क्रिएटर की तरह मेरे को लगता है तो ना लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि मैं सीधी शादी में कर लूं, यार मैं भी वहां पे खड़े होके मशरूम टिक्का के लिए वेट करूंगी। तो मैं खड़ी थी और एक मेरे पीछे कोई था, क्यों ये तो स्टार है ना, इसके 2 मिलियन है, इसके 2 मिलियन है, वैसे बोल रहे तो ये क्यों खड़ी है यहाँ पे। और लोगों को लगता है मतलब अगर मैं शादी में ठूस के खा रही हूँ तो लोगों को मेरे को ऐसे लोग देख रहे होते हैं। एक बार तो मैं ऐसी थी कि मैं इतनी ज्यादा पैसा बोल रही क्या आ जाओ तुम भी खा लो, तो ये वाली चीज रहती है। बाकी ना नॉर्मल हर इंसान के देखो अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए तो वो एक नॉर्मल वही है, और हम भी घर पे जब हेल्प नहीं होती है इन जनरल बर्तन धोते हैं, हेल्प करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे फटे हुए कपड़ों के अंदर घूम रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा घूम रहे होते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है यार। जो भी है सोशल मीडिया, मैं अगर बोलूंगी तो कि रियल दुनिया नहीं है, रियल दुनिया जितने भी लोग देखते हैं। मैं हर बार अपनी ऑडियंस को भी बोलती हूँ कि जब पूछते हो कि क्या स्किन केयर है क्या नहीं, यार देखो हम सबके चेहरे क्या है, हम सबके चेहरों में वो सब सब कुछ है, सब कैमरा के अंदर
कैमरा के सामने वो चीज जाती है जो हम दिखाना चाहते दिखाना ठीक है मैं कभी भी जाके ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं इतनी परेशान हूँ मैं तीन रातों से सोई नहीं मेरे को तंग कर रखा है मतलब काम की वजह से किसी ब्रांड ने या कुछ वो जो रोने वाला टाइम है वो आप नहीं आके दिखा सकते हो तो सोशल मीडिया से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करो वो रियलिटी नहीं है सब मेरे हाथ में है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ क्या पता मैं फेक कर रही हूँ मैं वो इंसान हुई ना जो बीमार होते हैं या फिर नहीं है तुम परेशान हो लेकिन तुम पूरी स्माइल के साथ कंटेंट क्रिएट करते हो सो यू नेवर नो कि बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है सो ऑन कैमरा जो दिख रहा है उस पर उतना फोकस करो बट उतना भी मत करो बस उतना ही करो कि तुमने रील देखी तुमने एंजॉय किया तुमने उस क्रिएटर को अप्रिशिएट कर दिया बस उसके आगे मत करो बिल्कुल इन्फ्लुएंस होके मत करो यार और ये जितने भी छोटे मैं देखती हूँ बहुत ऑडियंस आती है छोटे बच्चे होते हैं हाँ. तो मुझे लगता है यार मेरा सारा कंटेंट तो छोटे बच्चों के लिए नहीं है एवरीथिंग तो मुझे ना उन पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता है जैसे कि यार क्यों पकड़ा रहे हो उनको यूट्यूब किड्स बना है वो अपने बच्चों को वो दिखाओ अब मेरे को कोई बच्चा मिल जाता है कि हाँ दीदी मैं देखती हूँ इतना सा बच्चा ठीक है और ये मुझे देख रहा है और कोई मुझे बता रहा है कि आपकी वो वाली वीडियो थी ना क्या कहते हैं सास बहू वाली तो मुझे क्यों दिखा रही हूँ वही तो उनके लिए पैपा पे गए तो उनको पैपा पे दिखाओ बिल्कुल बिल्कुल तब मुझे लगता है कि ये गलत चीज है मैं मम्मी पापा होते तो बोल देती हूँ यार प्लीज मत दिखाओ उन्हें मेरा कॉन्टेंट तो ये भी बहुत मतलब आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको जितना ज्यादा लोग देखें उतना अच्छा बट इट इज ग्रेट अबाउट यू दैट यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि एक पार्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए ही बना है पूरी दुनिया के लिए बनाया है हम जब इवेंट अपलोड करते हैं तो साफ मेंशन करते हैं कि इट इज नॉट फॉर द पीपल बिलो 18 राइट ठीक है अब वही ना इतना यूनिवर्सल चीज बन गई है इंस्टाग्राम हो या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया ऐप हो कि कंट्रोल एक पॉइंट के बियॉन्ड रहता ही नहीं हमारा बचपन कितना अच्छा था कुछ नहीं था बहुत सही बात है कुछ फोन ही वो छोटे वाले होते थे जो नोकिया वाले मैसेज पैक दिलाते थे हाँ एग्जैक्टली जिसमें मतलब मैसेज भी भेजो तो कुछ नहीं पता डिलीवर हुआ नहीं हुआ रिप्लाई आएगा कुछ नहीं आएगा और ये भी तुम बैठे रहते थे फोन के पास रिप्लाई आ जाएगा देगा पड़ा है ठीक है नहीं आएगा भी देखे लैंडलाइन पे फोन करते थे लगता ही नहीं था कुछ कोई तरीका नहीं चेक करने का राइट वो टाइम अच्छा था वो टाइम एक्चुअली अच्छा तो वही लगता है कि आज के बच्चों की इनोसेंस खत्म हो रही है इस सोशल मीडिया की चीज तो नहीं नहीं होना चाहिए सो जल्दी आपको क्वालिटी टाइम में करना क्या चाहते हैं व्हेन यू आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट व्हाट आर यू डूइंग क्या मैं बहुत गाने सुनती हूँ मतलब जो कैसे करंट फेवरेट चल रहा है तो मेरी सुबह बिग बॉस के उसकी तरह होती है कि गाना बजता है और उसके साथ मैं उठती हूँ इरिटेटिंग भी लगता है बिग बॉस वाले झूठ करते हैं उठते ही नाचते कैसे लगता है कोई नहीं नाच पाता यार फेवरेट गाना बज रहा है फिर भी अच्छा बंद कर दो तो गाने बहुत सुनती हूँ मुझे खाना बहुत पसंद है लाइक अगर मेरा मूड खराब है तो उस टाइम पे अच्छी चीज आ जाएगी मेरे सामने तो यही करती हूँ और मुझे रियल मतलब रियल टाइम लोगों के साथ बैठ के ऐसे फिजिकली बात करना बहुत पसंद है रादर देन चलो फिर तो हमने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कराया है उससे तो आपने पहले भी कहा था आपको म्यूजिक में बहुत शौक है तो वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस कोई भी गाना आपको बहुत अच्छा लगता हो या कोई भी ऐसी अभी जो आजकल अच्छा लग रहा हो आप बताओगे मैं ये जब ये चीज आती है जिंदगी में कोई मुझे बहुत मुश्किल सी चीज दे दे ये करने बट ये ना कि अभी ये चीज सुनाओ हाय क्या सुनाओ तब दिमाग नहीं चलता कि क्या क्या है क्या गाना गाया जाए कोई भी इंस्टा का जो आजकल कोई ट्रेंड कर रहा हो कोई भी सुना दो मेरे को ना स्कूल प्रेयर बहुत अच्छी लगती थी एक ठीक है तो मैं सुनाओ ठीक है जगजीत सिंह की फेमस वो है सबको बताओ भी हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम तू ही बिगड़े तू ही सवारे तू ही बिगड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम हे राम हे राम परफेक्ट एंड बहुत ही अनकन्वेंशनल एज आई वुड से काफी बढ़िया थैंक यू सो मच जागृति फॉर कमिंग टू मी टुडे एंड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया योर लाइफ एंड वी फाइनली गॉट टू सी
कि जागृति कैसी है when she's not on camera, even though she is right now, but एकदम छह लोग के मजे से गप्पे मारने में अलग ही मजा है. Thank you for having me. It was all on a nice experience. Thank you so much. Keep listening to ABP Live Podcasts.